पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के पोस्टर पर किसने पोती काली, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के पोस्टर पर किसने लिखे 420 और चोर, असामाजिक तत्वों की कारस्तानी या मामला कुछ और ही है। तीन तस्वीरें हैं, पहले इस तस्वीर को गौर से देखिए। इस तस्वीर में क्या नजर आ रहा है? इस तस्वीर में दो हिस्से हैं, जिसके पहले हिस्से में बाबा बागेश्वर यानी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के चेहरे पर कालिख पुती नजर आ रही है। वहीं इसी तस्वीर के दूसरे हिस्से में 420 और चोर लिखा नजर आ रहा है। अब नजर डालते हैं दूसरी तस्वीर पर। यह तस्वीर सड़क के किनारे फुटपाथ पर लगाया गया है और इसे बुरी तरह से फाड़ दिया गया है। जहां तक तीसरी तस्वीर की बात है, उसको हम आगे दिखाएंगे। पहले इन दोनों तस्वीरों के बारे में बात कर लेते हैं। गौरतलब है कि बिहार में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का धार्मिक आयोजन चल रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों को शामिल होने के लिए पटना में जगह जगह पर पोस्टर्स लगाए गए हैं। लेकिन पटना के भीड़भाड़ इलाकों में शुमार जीपीओ गोलंबर चौराहे पर लगे एक पोस्टर पर बने बाबा बागेश्वर की तस्वीर के चेहरे पर न केवल कालिख पोत दी गई है, बल्कि उनकी तस्वीर के ठीक सामने 420 और चोर भी काले रंग से ही लिख भी दिया गया है। बताया जा रहा है कि ये कारस्तानी बीती रात की गई है। हालांकि इस करतूत को अंजाम देने वाले का फिलहाल पता नहीं चल पाया है, इसलिए फिलहाल इसे असामाजिक तत्वों की कारस्तानी करार दिया गया है। वहीं पटना के ही एक सड़क पर लगे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के पोस्टर को पहले ही फाड़ा जा चुका था, जिसके बारे में हम दूसरी तस्वीर के रूप में चर्चा कर चुके हैं। अब आते हैं तीसरी तस्वीर पर। इस तस्वीर में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री नजर आ रहे हैं, वहीं उनकी तस्वीर के ठीक सामने काले कपड़े में एक आदमी दिख रहा है, जो कि एक बुजुर्ग को धक्का देता नजर आ रहा है। काले कपड़े वाला यह शख्स बाबा का बाउंसर बताया जा रहा है। वहीं बाउंसर जिसको धक्का दे रहा है, वो पटना के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर के संरक्षक यानी कर्ता धर्ता आचार्य किशोर कुणाल हैं। ये तस्वीर उस वक्त की है जब आचार्य किशोर कुणाल के ही निमंत्रण पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पटना के महावीर मंदिर में बजरंग बली के दर्शन करने पहुंचे थे। लेकिन बाबा के बाउंसरों ने आचार्य किशोर कुणाल तक को उनके पास तक जाने नहीं दिया था। उनके बाउंसर की तरफ से की गई ये हरकत तस्वीरों में कैद हो गई। उसके बाद से आचार्य के समर्थक नाराज तो हैं ही, लेकिन इस बारे में प्रशासन के अधिकारी तक कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इन तस्वीरों का एक दूसरे से क्या संबंध है। फिलहाल तो इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि इन तीनों तस्वीरों से मेल खाते किसी के बयान सामने नहीं आए हैं। फिर भी जिस तरीके से शुरू से ही बाबा के धार्मिक कार्यक्रमों का विरोध किया जा रहा है, उसके संबंध का अंदाजा तो पोस्टर पर कालिख पोते जाने और पोस्टर फाड़े जाने से लगाया जा सकता है। लेकिन आचार्य किशोर कुणाल के साथ की गई धक्का मुक्की वाली तस्वीर क्या संदेश दे गई है, इसे समझने के लिए आप काफी समझदार हैं। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।